नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक एटूडे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझ जा रहे हैं कैपेसिटिव या कैपेसिटेंस टाइप लेवल मेजरमेंट की मेथड। और इस कैपेसिटिव टाइप मेजरमेंट जो लेवल है, कैपेसिटिव टाइप लेवल मेजरमेंट की मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड जो रहता है उस टाइप के कंडक्टिव लिक्विड के लेवल का मेजरमेंट हम करने में इसका यूज़ करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है कैपेसिटिव टाइप लेवल मेजरमेंट मेथड का। और जो हमारी इंडस्ट्री रहती है, प्रोसेस इंडस्ट्री, जहाँ पर टैंक रहता है, वेसल्स रहती है जिसमें लिक्विड रहता है, उस लिक्विड का लेवल हमको देखने के लिए ज़रूरत रहती है। तो जनरली तो आप साइड ग्लास लगा देते हैं प्लांट में, साइड ग्लास डायरेक्ट ले सकते हैं फिजिकली, लेकिन फिजिकली सिग्नल हमारा से काम नहीं चलता, फिजिकली सिर्फ प्लांट में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली सिग्नल हमको चाहिए होता है जो कि हम कंट्रोल रूम के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यदि कंडक्टिव लिक्विड है तो कैपेसिटेंस टाइप लेवल मेजरमेंट की मेथड। उसके रिगार्डिंग आप देखें यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यह आपकी मेटल वेसल्स है और मेटल वेसल्स के अंदर कंडक्टिव लिक्विड है आपका, जिसका हमको लेवल मेजरमेंट करना है बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटेंस लेवल टाइप मेजरमेंट। ठीक है, इसके अंदर एक कंडक्टिव प्रोब रहती है, उस प्रोब से और एक मेटल वेसल्स के कहीं से भी निकाल के दो टर्मिनल निकाल ली जाती हैं जिससे हमको आउटपुट मिलता है, मतलब कि कैपेसिटेंस मिलता है। अब कैसे मिलता है कि हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखी है कैपेसिटेंस इक्वेशन होती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन जीरो जनरली बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अब एप्सिलॉन ए अपॉन डी क्या है, यहाँ पे देखें वेयर सी बराबर है आपका कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन है आपकी परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या इंसुलेटिंग मटेरियल, ए आपका हो गया ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्रोब्स एंड डी ओवर डिस्टेंस बिटवीन प्रोब्स। तो कहने का मतलब आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा है C इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। कैसे हम इससे मेजरमेंट करेंगे, एरिया आपका है एरिया ऑफ प्रोब्स, यूं कहें कि ये आपकी ये जो पूरा वेसल्स है इसके बीच हमने लगा दी एक प्रोब्स, इस प्रोब और इस प्रोब के बीच में हमने यदि देखें तो ये वेसल्स है, इसका डायामीटर या आप जो भी एरिया फिक्स हो गया, इसी प्रकार से आपका एरिया ऑफ प्रोब भी फिक्स हो गया, तो ये आपका फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस यानी कि ये प्रोब्स और वेसल्स के बीच में डिस्टेंस भी आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, आपका बचा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंसुलेटिंग। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंसुलेटिंग क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, तो देखें क्या होगा, जब आपकी वेसल्स में कोई किसी प्रकार का लिक्विड नहीं है तब हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा कि लिक्विड लेवल नीचे है, मतलब कि आपका कोई हमको ना सेट कर देते हैं, मतलब जीरो कैपेसिटेंस मिले। अब जैसे जैसे आपका क्या बढ़ेगा, लिक्विड लेवल बढ़ेगा इस वेसल्स में, लिक्विड लेवल बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपका यहाँ पर चेंज होगा, यूं कहें इंसुलेटिंग चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो परमिटिविटी चेंज होगी और परमिटिविटी चेंज होगी तो आपको यहाँ पर कैपेसिटेंस मिलेगा, उस कैपेसिटेंस को हम यहाँ पर टर्मिनल के द्वारा आउटपुट के फॉर्म में ले लेते हैं और इस कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी रहते हैं या कैपेसिटेंस आपका ब्रिज सर्किट रहता है वहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकली रीड आउट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इस लेवल के। समझ गए होंगे आप, कैसे लेवल बढ़ेगा इस वेसल में तो आपका डाइलेक्ट्रिक चेंज होगा, डाइलेक्ट्रिक मतलब एप्सिलॉन चेंज होगा, एप्सिलॉन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सी के, एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के, क्योंकि आपका एरिया आपका जो है कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कांस्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आपका लिक्विड लेवल बढ़ेगा परमिटिविटी आपको चेंज होगी, यानी एप्सिलॉन चेंज होगा, एप्सिलॉन चेंज होगा तो आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा और इस कैपेसिटेंस के कारण हमको जो आउटपुट मिलेगा, जो चेंज कैपेसिटेंस मिलेगा उस वही हमारे प्रोपोर्शन रहेगा इस लिक्विड लेवल के। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, किसी भी वेसल्स में या टैंक में किसी भी कंडक्टिव लिक्विड का कैपेसिटेंस लेवल मेजरमेंट के द्वारा उस कंडक्टिव लिक्विड का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली फॉर्म में लेवल का मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल रूम भेज सकते हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या यहाँ भी आपको कंट्रोलिंग सिस्टम में यूज़ करना है वहाँ पर हम दे सकते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम इसका कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको लेवल हमको कॉन्स्टेंट रखना है कि भाई 75% हमारा इसमें लेवल है, 75% से लेवल ऊपर ना जाए ना ही नीचे जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस आउटपुट को कैपेसिटेंस को हम ले जाएंगे कंट्रोल रूम में, कंट्रोलर से, कंट्रोल रूम से आएगा कंट्रोलर को, यहाँ पे कंट्रोलर लगा देंगे, जैसे डाउन जाएगा इसका लेवल तो कंट्रोलर कंट्रोल वाल्व को ऑन करेगा, इसमें लेवल वापस आने लगेगा, टैंक फिल होने लगेगा, जैसे 75% पे आएगा तो वापस आपका क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा कैपेसिटेंस का, कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर देगा, मतलब कि इसमें फ्लो आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से
जरूर 75% जितने परसेंट आपको लेवल सेट करना उतने परसेंट आप लेवल सेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके। इस कारण से हम इस कैपेसिटेंस लाइफ लेवल मेजरमेंट हमको जरूरत पड़ी। यदि हमको इसका लेवल का मेंटेन नहीं करना होता तो हम डायरेक्टली सीआरडी क्लास लगाते उसमें देख लेते कितना लेवल है, लेकिन इसको फिल भी करना है, खाली हो गया तो फिल करना है, ओवरफ्लो होने से रोकना भी है, इस कारण हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ती है जो कि हमको मिलता है कैपेसिटेंस टाइप लेवल मेजरमेंट सिस्टम के द्वारा, और यह सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड में काम करता है। क्लियर डाउट्स, समझ होंगे आप कि कैपेसिटेंस टाइप लेवल मेजरमेंट की मेथड क्या है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो बस इस वीडियो में स्टॉप करेंगे, और भी कोई डाउट है तो आप क्वेरीज है तो कमेंट करके निश्चित पूछ सकते हैं, आप निश्चित हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप चाहते हैं अन्य इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक एटूडो यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन नोटिफिकेशन, इसका यह बेनिफिट मिलेगा कि हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।